भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की पत्नी वसुधा रोहतगी ने दिल्ली के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदा है और जब से ही बंगला बिका है तब से चर्चा में बना हुआ है। इस बंगले की कीमत करीब 160 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंगला गोल्फ लिंक्स इलाके में है। 2160 स्क्वायर यार्ड में फैले इस आलीशान बंगले का प्लॉट एरिया करीब 1806 स्क्वायर मीटर है, जबकि पूरी इमारत लगभग 1869 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक रोहतगी परिवार ने इस बंगले के लिए कुल 6,40,00,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई है और इससे जुड़े रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 24 फरवरी को पूरी हुई थी। बता दें कि मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे। मौजूदा समय में वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने कई बड़े केस भी लड़े हैं, जैसे 2002 के दंगों में गुजरात की मोदी सरकार की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। तो वहीं अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस भी, जो ड्रग वाला मामला था, वो भी इन्होंने ही लड़ा था। मुकुल रोहतगी की पत्नी वसुधा रोहतगी ने जो बंगला खरीदा है वो दिखने में काफी शानदार है। इस बंगले में सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। बंगले के आसपास काफी हरियाली है और इसका इंटीरियर भी काफी खास है। बंगले को काफी बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है। बता दें कि लिमिटेड घरों की वजह से दिल्ली का गोल्फ लिंक इलाका लोगों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर अमीर लोग ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ के प्रॉपर्टी रेट काफी ज्यादा हाई हैं। हाल ही में कई कॉरपोरेट हस्तियों ने यहाँ महंगे घर खरीदे हैं। रेडगेन के फाउंडर भानु चोपड़ा ने भी यहाँ एक 850 स्क्वायर मीटर का बंगला 127.5 करोड़ में खरीदा था।